राम जी पियर चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। देख सकते हैं ये हमारा बेटा। तो ये हमारे घर का बगल का मूर्ति का पंडाल जो कि अभी मतलब तैयार होने में बहुत कुछ बाकी है, आगे से तैयार हो गया है, पीछे में देख रहे हैं बंदा सब काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से पंडाल बनाया गया है, महाकाल डीजे लतौन्हा। तो आप लोग को दिखाते हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए, तो ये रहा हमारा पिकअप और हम लोग जा रहे हैं मूर्ति लाने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहो आप लोग। और ये देख सकते हैं भेड़ बकरी की तरह चढ़ रहा है गाड़ी पे मूर्ति लाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि क्या लाने के लिए जा रहे हैं। मैं छक्का बनना चाहता हूँ, शादियों में ताली पीट पीट कर पैसा कमाना चाहता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? सबसे बाल गया चुतिया ये इंद्रजीत कुमार भोसड़ी वाला। तो हम लोग पहुंच गए अपने लोकेशन पे जहां से मूर्ति लेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ मूर्ति है माँ बीना वाली। तो यहीं से लेकर आप चलेंगे अपने घर की ओर। बस आधे घंटा का खेल है दोस्तों, क्योंकि आधे घंटे के बाद सारा मूर्ति अपने अपने स्थान पे चला जाएगा क्योंकि रात काफी हो चुका है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो क्योंकि आगे इससे भी अच्छा अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं आगे। तो और कौन हो? ठीक है ठीक है, एक भैया को पहले पैसे भेज देते हैं, उसके बाद ले जाएंगे माँ सरस्वती जी को। एक बार तू ही कर, हम सब कुछ सर के पास कर देते हैं, एग्जाम देने जो पास कर देते हैं गौर लगे सर। चार सौ दस अपन अरे सर चप्पल मिले गौर लगा ये लगे सर। अपना अपना के बगल में अवे है नदी बालू क्या ले लो कथी नाम लगे कोचिंग के कोचिंग कोचिंग एक दिन में सीखे इंग्लिश बोलना। एक घंटा में सीखे इंग्लिश बोलना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ठीक है इंग्लिश बोल चलते फिरते चलते फिरते डीएनए में घुसाए। के 12 बजे ए वो लाल चैन लके कूद का ए वो हम दीवार इंजर में 6 बजे चल अपना ये मूर्ति उठा अपना। हेलो गाइस माय न्यू व्लॉग प्लीज टू चैनल माय सकर पारा लौटा ये असली है ये लोना। अरे देख सकते हैं कैसा हालात आ गया है बहन का। 150 रुपया में आया है मूर्ति उठाने के लिए। 150 रुपया देगा बराबर। तो हमारे तरफ से सारे दोस्तों को बुनिया खाने का निमंत्रण है, तो आइएगा हमारे यहाँ दर्शन कीजिए, बुनिया खाइए, बुनिया खाकर दुनिया देखिए। तो ये है हमारा डीजे और हम लोग गीत सुन सुन कर अपना काम कर रहे हैं। ये है अनमोल और इंद्रजीत, देख सकते हैं पंडाल को सजा रहा है। क्या हो रहा है गाइस, देख सकते हैं ये मतलब कारीगर दरभंगा से आया हुआ है। हाँ।
1,00,000 ये बहुत पढ़ने वाला बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मगर हालात गरीबी को देखते हुए उसको छोटा मोटा पंडाल सजाने को मिल रहा है। मैं गरीब हूँ बोल रहा है गरीबी। गाइस तो देख सकते हैं हमारा कारीगर इधर दरभंगा से आया है, आर एस सिंह का चेला सर, किस प्रकार से अपना फिजिक्स वाला दिमाग लगा रहा है। देख सकते हैं कैसे कैसे कलाकारी हम लोग ने बनाया है, किस प्रकार से सजावट, कम बजट मिनिमम 500 के करीब है सजावट, 500 में भाग लेते हैं काम फिनिश। अगले के देहाती स्टाइल में देहाती सजावट, छोड़ा बस खाली छोड़ी पटाता है, खाली छोड़ी पटाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, खाली मतलब कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं आगे, अभी तो लमसम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सकते हैं, अरे सर लुक्का, अरे सर लुक्का, सर सड़ी का था, देखिए सर लटका लटका है, अरे मुंह से गिर गया ट्रक तो मेरे। बताइए आपको ड्राइविंग करके कैसा लगा? ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। अभी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पुरखा जन्म में पहली बार चलाया है बंदा गाड़ी। देख सकते हैं अभी कहते 12 बजे है और अलसी हम केस कर दिला हो भगवान। तो क्या हो गया सर, गड़ा के देख सकते हैं कितना सुनसान जगह लग रहा है। तो आखिरकार हमारा नंबर आ ही गया, तो आप देख सकते हैं शत्रुघ्न भी अपने मोच पे तव देता हुआ, अब काटेगा हमारा बाल, उसको बता दिए एकदम हीरो की तरह लगना चाहिए, एकदम चिकना। तो अभी हमारे चेहरा पर लग रहा है क्रीम, क्योंकि महीना में एक बार आते हैं तो क्रीम तो लगाना अनिवार्य है, हीरो की तरह तो दिखना चाहिए। तो देख सकते हैं भैया ने कितनी अच्छी तरीके से बाल को काटा है, तो आप लोग जरूर आइए एक बार बाल कटवाने के लिए, जिसका नाम है वेलकम हेयर कटिंग सैलून गढ़ा चौक। तो अब हम लोग निकल गए हैं अपने लुक्खा दोस्त के साथ मूर्ति का दर्शन करने के लिए, जो कि आप लोगों को भी दिखाएंगे आगे कि कहाँ कहाँ पे जाते हैं क्या सब है, तो ब्लॉग में बने रहो। ओए सब ठीक ठाक, चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता, वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? तो अब हम लोग आए हैं ललमनिया चौक, तो चलिए अंदर जाकर दिखाते हैं। तो ये जो आप लोग मूर्ति देख रहे हैं वो है न्यू लाइट कोचिंग सेंटर ललमनिया का, जो कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होता है, और बगल में देख सकते हैं भैया सब अरे सारा दोनों लुक्खा सर, भगवान से की मांगे पत्ते ने कन्हैया सब होखे हुनर में हारा रु चाहे सुनो सर नहीं के देते सर। इसी के साथ हमें जमाना पतिला सकेंगे सर, वीडियो लेने से इसी के साथ हम लोगों को स्वागत किया दुनिया के साथ, दुनिया खाकर दुनिया देखेंगे, और आगे जाकर हम लोग इस साला छिछोरा बहु मांग रहा है कि अच्छा कन्या मिले। तो वहां से निकलकर हम लोग जा रहे हैं आप पिपराही, वहां का दर्शन कराएंगे आप लोगों को, तो ब्लॉग में बने रहो। ये पिपराही चौक देख सकते हैं कितना हरा भरा नजारा, और ये देख सकते हैं स्कूल में किस प्रकार से पंडाल बनाया गया है पिपराही का हाई स्कूल, भैया चलना पंडाल में देखे एक बार। तो आप लोग जो ये व्यू देख रहे हैं वो है पिपराही हाई स्कूल का, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। तो चलिए अंदर पहले दर्शन करते हैं बिना वाली मैया का। तो पिपराही में दर्शन करवा दिया आप लोगों को, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा गढ़ा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। ये गढ़ा का सुनसान गलिया, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, देख सकते हैं कितना मतलब भक्तों जनों का भीड़, जो कि अपना अपना स्कूल पर जा रहे हैं माता सरस्वती जी का दर्शन करने के लिए। क्या नजारा है ये, क्या नजारा। और ये चलते आप काफी जाने माने कोचिंग बीआई सर का कोचिंग, चलते हैं अंदर में।
प्रवेश द्वार देख सकते हैं। तो ये है विनय सर कोचिंग का पूरा शानदार व्यू, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर गाढ़ा। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है, साइड में बैठने के लिए अलग से लगाया गया है और कितनी अच्छी तरीके से पानी बह रहा है झरना से। तो अभी काफी भक्तों का भीड़ है तो इसलिए हम लोग दूर से ही दर्शन कर लेंगे। जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ये अपने तो देख सकते हैं बगल में बुनिया रखा है, तो पहले आप लोग दर्शन कीजिए उसके बाद बुनिया खाकर दुनिया देखिए। OMG पियर चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो ये है सौराय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड मैग्नेट एकेडमी, यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर 12th तक पढ़ाया जाता है। तो चलिए अंदर जाकर दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी काफी शानदार लुक दिया गया है, काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है, पूरा मतलब VIP तरीके से डेकोरेट किया है। तो ये देख सकते हैं काफी भव्य नजारा मैया का। चेहरा छुपा कर लो, देख सकते हैं ये हमारा बेटा किस प्रकार से मेकअप किया हुआ है। हम क्या वो हट मेरे पापा। और ये देख सकते हैं हमारा मूर्ति किस प्रकार से भसान कराने के लिए आया है अभी। प्रभु हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? रुक जा तो रुक जा हे माई, घाट मुनारा जो कि आप लोगों को काफी ब्लॉग में दिखाया है। तो यहीं पे बीने वाली मैया को विदाई करेंगे हम लोग, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। फोर फाइव फाइव फोर।